नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं सतीश कुमार और आज हम करेंगे साइड फ्लाइंग किक। साइड फ्लाइंग किक सभी मार्शल आर्ट्स सीखना तो चाहते हैं, लेकिन साइड फ्लाइंग किक सीखने से पहले आपका बेसिक किक का क्लियर होना बहुत जरूरी है। हमने बेसिक किक्स के ट्यूटोरियल बनाए हुए हैं, आप हमारे चैनल पर जाकर उन ट्यूटोरियल को देख सकते हैं और मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक डाल दिया है। आप उन ट्यूटोरियल्स को देखकर अपनी बेसिक किक को इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे आपको ये किक सीखने में आसानी हो जाएगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, आपको हमारे चैनल पर मार्शल आर्ट से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स रेगुलर मिलते रहेंगे। अगर आप साइड फ्लाइंग किक को अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप कर करके मत देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने योको टोबीगेरी की ट्रेनिंग करनी है नीचे बैठ के। नीचे बैठ के हम किस तरह से इसकी ट्रेनिंग करेंगे, फर्स्ट स्ट्रेचिंग की ट्रेनिंग करेंगे। इसकी स्ट्रेचिंग की किस तरह से, जो आपका एक लेग है उसको आपने इस तरह से अंदर की तरफ रखना है, इस तरह से टाइट। पंजे को आगे की तरफ इस तरह से नीचे की तरफ रखेंगे और उसके ऊपर इस तरह से आपने अपने बॉडी वेट डाल के बैठना है, इस तरह से टाइट। आपका शिन की साइड, जो आपकी शिन की ये साइड है, ये ज़मीन पर इस तरह से टच होनी चाहिए। और फिर यहाँ से आपने करना है, जो आपका दूसरा लेग है उसको आगे की तरफ इस तरह से स्ट्रेट करेंगे। जिस पोजीशन में किक हमारी हवा में होती है, इस तरह से फ्लाइंग में होती है, उसी तरह से हमने नीचे इस किक की ट्रेनिंग करनी है, इस तरह से टाइट। इस जगह के बीच में ये गैप होना चाहिए टाइट, और स्ट्रेच करना है यहाँ से आगे की तरफ। ध्यान रखेंगे जब आपने ये किक इस तरह से साइड में इसकी स्ट्रेचिंग की ट्रेनिंग करनी है तो ऐसे पीछे नहीं बैठना, पीछे बैठ के ऐसे नहीं करना, लेग के ऊपर रहना है इस तरह से, और इसकी प्रॉपर साइड में स्ट्रेच करना है। अपनी बॉडी को थोड़ा सा पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे साइड, इस तरह से इसको स्ट्रेच करेंगे। एंड इसी तरह से आपने दूसरे लेग से भी करनी है इसकी ट्रेनिंग। दूसरे लेग से हमने किस तरह से करनी है, जैसे यहाँ से आपने इस लेग को अंदर की तरफ रखा, इस तरह से टाइट, इस तरह से ज़मीन पे शिन एंड हील अपनी तरफ टाइट, और उसके ऊपर इस तरह से बैठेंगे, दूसरा लेग साइड रखेंगे। जब आपने लेग साइड रखा है तो सामने से जिस तरह से हम योकोगिरी कियागी करते हैं उसमें ब्लेड बनाते हैं आगे से, इस तरह से आपने सेम वही चीज़ करनी है। आपने ब्लेड किस तरह से बनाना है, उंगलियों को नीचे की तरफ, अंगूठे को ऊपर की तरफ, इस तरह से टाइट। ये ब्लेड इसके ऊपर रहेंगे, इस तरह से टाइट, एंड यहाँ से करेंगे प्रॉपर स्ट्रेच। इस तरह से प्रॉपर स्ट्रेचिंग की ट्रेनिंग करनी है दोनों लेग से। अब हम यहाँ से करेंगे इसकी जंप की ट्रेनिंग। जंप की ट्रेनिंग हमने इसमें किस तरह से करनी है, जैसे आपने पोजीशन बनानी है, जिस लेग से आप किक करेंगे उस लेग को आपने आगे रखना है और दूसरे लेग को पीछे, इस तरह से हैंड्स रखेंगे आगे टाइट, एंड यहाँ से करेंगे जंप की ट्रेनिंग। पीछे वाले लेग से एक स्टेप आगे आएंगे, इस तरह से टाइट, पीछे वाले लेग से एक स्टेप आगे आएंगे, और इधर से बॉडी को टर्न करके नी को ऊपर उठाना है, इस तरह से आपने, जैसे हम करेंगे यहाँ से आगे आएंगे, नी ऊपर उठाना है इस तरह से टाइट, इसके साथ आगे नी ऊपर, और इसके साथ करेंगे जंप अप, इस तरह से। जब हम इसको स्पीड से करेंगे तो किस तरह से करेंगे, स्टेप नी अप जंप, इसके साथ अपने लेग से जंप ऊपर करना है, ठीक है, यहां से जंप, इस तरह से। आपकी नजरें उस तरफ होनी चाहिए जिस साइड आपने किक मारनी है, जैसे आपने इस लेग से किक मारनी है सामने की तरफ, तो आपकी नजरें उसी तरफ रखेंगे, और यहां से करेंगे नी स्टेप फॉरवर्ड, नी बैंड, नजरें उसी तरफ एंड जंप, इस तरह से ट्रेनिंग करेंगे इसकी। सबसे पहले जंप की, वन लेग जंप की। अब यहाँ से हम करेंगे डबल लेग जंप की ट्रेनिंग। डबल लेग जंप की किस तरह से ट्रेनिंग करेंगे, स्टेपिंग आपकी सेम रहेगी वन लेग जंप वाली। पहले आपने लेग को आगे लेके आना है एंड नी बैंड ऊपर उठाना है, इस तरह से, एंड फिर जंप करनी है, एंड इस जंप के साथ, जंप करने के साथ दूसरे लेग को साथ में ऊपर उठाना है, इस तरह से टाइट। जब हम यहाँ से करेंगे स्टेप नी बैंड अप जंप एंड दूसरा लेग ऊपर ऊपर उठाना है, इसको मैक्सिमम कोशिश करेंगे लेके चलने की। जैसे आपने यहाँ से किया स्टेप नी बैंड अप एंड जंप, दूसरा लेग को ज़्यादा से ज़्यादा आपने ऊपर की तरफ खींचे, अपनी तरफ, यहाँ से स्टेप एंड जंप, इस तरह से नी बैंड अप एंड दूसरे लेग से जंप फास्ट, यहाँ से किक, इस तरह से जंप करेंगे डबल लेग जंप। जब आप जंप करें तो आपने ध्यान रखना है जो आपकी बॉडी है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, इस तरह से स्ट्रेट ऊपर की तरफ जाएंगे, आपकी बॉडी ऐसे बैंड ना हो, जिससे जब आप लैंड करें तो आपका बैलेंस बिल्कुल स्ट्रेट सामने बनना चाहिए। तो कोशिश करें अपनी बॉडी को मैक्सिमम स्ट्रेट रखने की। एंड अब हम करेंगे यहाँ से किक की ट्रेनिंग। किक की ट्रेनिंग आपने किस तरह से करनी है, यहाँ से जैसे आपने बनाई ये पोजिशन,
और यहाँ से चलेंगे किक के लिए, पहले स्टेप आगे रखना है इस तरह से टाइट। इसके बाद नी बैंड करेंगे ऊपर। जब आपने इधर से जंप करनी है, पहले हमने जंप की जब ट्रेनिंग की थी तो लेग को स्ट्रेट ऊपर उठाया था, इस तरह से स्ट्रेट लेग ऊपर उठाया था, लेकिन जब हम किक के साथ इसको ट्रेनिंग को करेंगे तो आपने लेग को अंदर की तरफ उठाना है, इस तरह से किक अंदर की तरफ, इस तरह से जब आप किक करेंगे इस तरह से किक और लेग अंदर की तरफ उठाना है जंप को। यहां से जैसे हम चलेंगे किक के लिए, स्टेप बैक एंड अंदर की तरफ ध्यान रखेंगे। जब आपने इस लेग को अंदर कब खींचना है, अंदर आप इसको जब खींचेंगे जब दोनों लेग से आप किक करेंगे इस तरह से किक, जैसे आपने किक की और इसको ऊपर उठाना है इसके साथ। यहां से किस तरह से करेंगे किक एंड किक अंदर की तरफ स्पीड से मैक्सिमम, आप से स्पीड करेंगे किक नी बैंड किक, किक के साथ नी बैंड अंदर उठाना मैक्सिमम। तो ये थी साइड फ्लाइंग किक की ट्रेनिंग। क्या आप भी कराटे सीखना चाहते हैं? क्या आप भी मार्शल आर्ट सीखने के दीवाने हैं? तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें।